नमस्कार, मैं एनसी कुमार संभव इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज अपन बीएससी फाइनल ईयर के सेकंड पेपर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की जो बुक है उसके थर्ड यूनिट के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की बात करेंगे। तो ये जो अपन इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ सोल्व कर रहे हैं ये एग्जाम को लेकर ही अपन बहुत इंपोर्टेंट है इस एग्जाम के लिए, एग्जाम 2020 के लिए। तो आप एक बार इनको एग्जाम देने से पहले एक बार इनको रिपीट जरूर करके जाएं, आप देख के जाएं, हो सकता है इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन भी मिल जाएं आपको, तो आप एक बार जरूर देख के जाएं इनको, ठीक है। तो आज अपन थर्ड यूनिट के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेंगे जिसमें कुछ तो थ्योरम रहेगी अपने और कुछ कैलकुलेशन टाइप में है। तो अपना जो पावर सीरीज का टॉपिक है उस पावर सीरीज के टॉपिक में से ये यूनिट है अपनी। तो इसमें एक जैसे पहला जो क्वेश्चन रूम है, पहला क्वेश्चन अपना इस प्रकार है कि एक क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है। एक थ्योरम है आबेल थ्योरम, ठीक है, आबेल प्रमेय जिसे कहे हैं अपन। तो क्वेश्चन अगला अपने को नाम, इसका स्टेटमेंट जो है वो स्टेटमेंट खुद भी दे सकता है और अगला नाम भी लिख सकता है कि आबेल प्रमेय का खतन और सत्यापन कीजिए। आबेल प्रमेय का खतन क्या है और उसका सत्यापन कीजिए, प्रूव कीजिए उसे। तो अपने को दोनों चीज याद रखनी, इसका स्टेटमेंट भी याद रखना है और अपने को इसका प्रूवेशन जो भी है, इसको जो प्रूव करते हैं अपन वो भी किस प्रकार से करेंगे, इसका सॉल्यूशन भी अपने को ध्यान में रखना है। तो आबेल प्रमेय का खतन और सत्यापन की बात कर रहा हूं। तो आबेल प्रमेय का जो खतन है वो क्या कह रहा है, जैसे कि यदि कोई घात श्रेणी है, यदि घात श्रेणी समीशन एन इक्वल जीरो टू इंफिनिटी ए एन जेड की पावर एन, जहां z इक्वल जेड जीरो इज नॉट इक्वल जीरो पर अभिसारी है, तब समीशन n इक्वल जीरो टू इंफिनिटी ए एन जेड की पावर n z मापांक इज लेस देन Z0 के मापांक के लिए निरपेक्ष अभिसारी होगी, निरपेक्ष अभिसारी है। अर्थात अगले ने जो बात कही है निरपेक्ष अभिसारी का मतलब कि अर्थात समीशन n इक्वल जीरो टू इंफिनिटी ए एन जेड की पावर n का मॉड z मापांक इज लेस देन जेड जीरो के मापांक के लिए अभिसारी है, ठीक है। हमने ये भी देखा है कि देखो निरपेक्ष अभिसारी का मतलब क्या होता है कि कोई श्रेणी है समीशन ए एन जेड की पावर n, इस श्रेणी की अगर बात करूं निरपेक्ष अभिसारी का, हमें कहते हैं कि अगर कोई श्रेणी है ए एन जेड की पावर n, अगर ये अभिसारी है इसके साथ साथ, इसके अभिसारी होने के साथ साथ अगर इसका मोड ए एन जेड की पावर एन का मोड अगर ये भी अभिसारी है तो अपन इस श्रेणी को ए एन जेड की पावर एन को कैसी श्रेणी कहेंगे, निरपेक्ष अभिसारी श्रेणी कहेंगे, निरपेक्ष अभिसारी श्रेणी कहेंगे, ठीक है। और अगर ये अभिसारी है और ये अपसारी है तो ऐसी पोजिशन में इस श्रेणी को कहा जाता है सहसर्त अभिसारी, सहसर्त अभिसारी। अब यहां पे अपने को बात कर रहा है कि निरपेक्ष अभिसारी, इसका मतलब ये श्रेणी तो अभिसारी है ही है, अगले ने खुद ने दे रखा अपने को कि ये एक श्रेणी अभिसारी है, बात कर रहा है इस श्रेणी की कि ये श्रेणी अभिसारी होगी, मतलब ए एन जेड की पावर एन निरपेक्ष अभिसारी है। तो इसके निरपेक्ष अभिसारी होने के लिए जरूरी यह है कि ये श्रेणी कैसी होनी चाहिए, अभिसारी होनी चाहिए। तो अपने को इस श्रेणी को कैसा प्रूव करना है, अभिसारी प्रूव करना है, तभी तो ये श्रेणी कैसी होगी, निरपेक्ष अभिसारी होगी। तो इसको प्रूव करने के लिए अपन शुरुआत करते हैं यहां से, जो चीज अपने को दे रखी है उसी से लेके चलते हैं अपन। देखो अगले ने कहा है कि एक श्रेणी दे रखी है समीशन n बराबर 0 टू इनफिनिटी a n z की पावर n, z इक्वल z 0 इज नॉट इक्वल 0, कि कह रहा है कि z बराबर z 0 है लेकिन नॉट इक्वल 0 है, ये अभिसारी है, खुद कह रहा है ये अभिसारी है। और अभिसारी है तो हम यहां पे इसी से लेते हैं कि श्रेणी समीशन n इक्वल जीरो टू इंफिनिटी ए एन जेड की पावर n, यहां खुद कह रहा है कि ये कैसी है, यहां z इक्वल जेड जीरो है तो z इक्वल जेड जीरो ले लेता हूं मैं,
कि श्रेणी n समीशन n बराबर 0 टू इंफिनिटी an z 0 की पावर n कर सकता हूं, इसको लेके an z 0 की पावर n क्या रहेगा, अभिसारी है। कैसी है? अभिसारी है। अब ये श्रेणी अगर अभिसारी है तो इस श्रेणी की अभिसारिता से अपन उठाते हैं कि हमने पढ़ा है, फर्स्ट ईयर में ही पढ़ लिया था अपन ये बात, अभिसारी अपसरण है, अभिसरण है। तो अभिसारिता की पोजीशन से अगर लेके चलूं मैं, तो मान ले किसी श्रेणी का एनवा पद यूएन, ठीक है, किसी श्रेणी का एनवा पद यूएन है। तो हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि अगर कोई श्रेणी जिसका एनवा पद यूएन है वो सदैव अभिसारी होगी यदि लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी यूएन इक्वल क्या आ जाए, जीरो। ये हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था। तो उसी पोजीशन से अपन लेते हैं यहां पे कि इसका एनवा पद अपने पास में जैसे ये है an z 0 की पावर n समीशन है, तो ये योग श्रेणी का योगफल है पूरा। मैं बात कर रहा हूं इसके n में पद की, तो बात होती है an z 0 की पावर n की। तो यहां लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un इक्वल 0, तो यहां पे मान क्या बनाएगा इसके अकॉर्डिंग, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n के पदों में इसका एनवा पद आएगा an z 0 की पावर n इक्वल क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, अब लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी an z 0 की पावर n इक्वल कितना आ रहा है, 0। और ये श्रेणी कैसी चल रही है, अभिसारी। अब अपन में बात करते हैं यहां से अभिसारिता की जो पोजीशन अपने को दे रखी है कि अभिसारी में अपने की अपने पास में ये जो मान आ रहा है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी an z 0 की पावर n इक्वल 0। हमने ये भी पढ़ा है कि प्रत्येक अभिसारी श्रेणी जो अभिसारी होता है, कोई भी अनुक्रम हो कोई भी श्रेणी हो, कि जो अभिसारी होता है वो परिबद्ध होता है। ठीक है, कोई भी श्रेणी है जो अभिसारी होती है वो कैसी होती है, परिबद्ध होती है। अब अभिसारी श्रेणी है तो वो हमेशा कैसी होगी, परिबद्ध होगी। और परिबद्धता में हमने पढ़ा है कि परिबद्धता की डेफिनेशन क्या कहती है कि अगर कोई अनुक्रम, जो भी अनुक्रम है, कैसा भी अनुक्रम है, जैसे मैंने अनुक्रम के लिए लिया अक्ष n, कोई भी अनुक्रम है अक्ष n, वो परिबद्ध कहलाएगा यदि अक्ष n का मापांक इज लेस देन इक्वल कैपिटल m, जहां m जो है वो एक धनात्मक संख्या है, धनात्मक संख्या है। तो मैं यहां पे बात कर रहा हूं इसकी an z 0 के पावर n की। तो an z 0 की पावर n अगला कह रहा है कि अभिसारी है, इसका मतलब इसका जो मोड होगा an z 0 की पावर n का मोड, an z 0 की पावर n का मोड इज लेस देन इक्वल क्या रहेगा, कैपिटल n, जहां m कैसी है, एक m एक धनात्मक संख्या है। क्यों? क्योंकि अगले ने हमको पहले कहा है कि ये जो अनुक्रम है या ये जो श्रेणी बन रही है ये श्रेणी कैसी है, परिबद्ध, सॉरी अभिसारी है, और जो अभिसारी होता है वो सदैव परिबद्ध होता है। तो हम परिबद्धता से ले रहे हैं कि an z 0 की पावर n का मॉड इज लेस देन इक्वल क्या ले लिया मैंने, कैपिटल n। ठीक है, यहां m एक धनात्मक संख्या है। अब अपन बात करते हैं इससे कि अगले ने अपने को श्रेणी पूछी है an z की पावर n की, कि अगर ये श्रेणी अपने पास में कैसी आ जाए, अभिसारी, इस श्रेणी की बात कर रहा है, और इस श्रेणी की अभिसारिता के लिए अपन देखेंगे अगर मैं an z की पावर n को ले लूं और इसका मोड लू an z की पावर n का मोड, तो an z की पावर n के बराबर में मैंने लिखा an z की पावर n का मोड, क्योंकि दोनों मान सेम लिखे हैं मैंने। थोड़ा सा परिवर्तन करता हूं an z की पावर n में, an z की पावर n यहां से एक कंडीशन और दे रखी है अगले ने कि z मापांक इज लेस देन z 0 का मापांक। ठीक है, तो वो कंडीशन अपन यूज करके चलेंगे। यहां से लिया मैंने an, ये z की पावर n है, तो z की पावर n को मैं z 0 की पावर n से मल्टीप्लाई और डिवाइडेशन दोनों कर देता हूं इसके अंदर। तो z 0 की पावर n, ये z की पावर n अपॉन z 0 की पावर n का मॉड, यहां से दोनों मान एक साथ लिए मैंने an z 0 की पावर n को एक साथ ले लिया, ये z अपॉन z 0, इसकी पावर n चल रही है तो इसकी भी पावर n और इसकी पावर n है, ये मॉड इसका साथ में ले लिया। अब दोनों में से ये मोड का एक नियम होता है कि जब कभी भी दो या दो से अधिक संख्याओं के साथ में गुणा, भाग, बटे में जैसे भी हो मापांक हो तो वो अलग अलग डिवाइड हो जाता है। अगर इसको अपन अलग अलग बांट दें तो ये an z 0 की पावर n का मोड अलग कर देता हूं और z
की पावर एन अपॉन जेड जीरो की पावर एन, इसे मैं थोड़ा सा अलग कर लेता हूं, तो इसे अपन लिख सकते हैं जेड मापांक की पावर एन अपॉन जेड जीरो के मापांक की पावर एन, और चाहे तो अपन इन दोनों के मापांक की होल पावर एन एक साथ भी ले सकते हैं। अब बात आती है ए एन जेड जीरो के पावर एन की, तो ए एन जेड जीरो के पावर एन का जो मोड है, हमने ऊपर लिखा है कि ए एन जेड जीरो के पावर एन का मोड इज लेस देन इक्वल कैपिटल एन, ठीक है। तो क्या मैं यहाँ पे इस मोड के स्थान पर जैसे मैं अगर इसका एम मान यूज करूं तो ये इक्वल का जो चिन्ह है वो किस में बदल जाएगा, लेस देन इक्वल में। तो मेरे पास मान आता है ए एन जेड की पावर एन का जो मोड है वो लेस देन इक्वल, इसकी जगह मैंने काम में ले लिया कैपिटल एम, और ये आता है अपने पास में जेड का मापांक अपॉन जेड जीरो का मापांक और इसकी होल पावर एन, ठीक है। अब यहां से अगर दोनों तरफ मैं समीशन इसको श्रेणी के रूप में बनाऊं, तो समीशन ले लें अगर, तो समीशन ए एन जेड की पावर एन का मोड, ये एक श्रेणी बन गई पूरी, इज लेस देन इक्वल, ये एम तो एक धनात्मक संख्या है तो समीशन ये पहले से धनात्मक है, समीशन इसे लिखा मैंने जेड अपॉन जेड जीरो के मोड की पावर एन। अब यहां जेड और जेड जीरो की बात करूं तो देखो पोजीशन देखें यहां पे कि जेड का मापांक इज लेस देन जेड जीरो का मापांक, कि जेड का मापांक इज लेस देन जेड जीरो का मापांक, जब डिवाइड करें जेड जीरो से तो जेड का मापांक अपॉन जेड जीरो का मापांक इज लेस देन क्या हो जाएगा वन, कि जेड अपॉन जेड जीरो का जो मोड है वो लेस देन वन रहता है। अब यहां पे इसकी राइट हैंड साइड देखो मैं, ये राइट हैंड साइड ये एक श्रेणी है, और ये श्रेणी जो बन रही है ये श्रेणी कौन सी श्रेणी है, देखो जेड अपॉन जेड जीरो की पावर एन है, तो एन का मान यहां से समीशन की लिमिट अगर जीरो से इंफिनिटी तक लगाए अपन, ये जीरो से इंफिनिटी, तो यहां ये जो राइट हैंड साइड वाला जो मान बन रहा है अपने पास में जेड अपॉन जेड जीरो की पावर एन मापांक की पावर एन, ये अपने पास में एक जीपी बनती है, गुणोत्तर श्रेणी बनती है। कौन सी श्रेणी है ये, गुणोत्तर श्रेणी है, और गुणोत्तर श्रेणी अगर बन रही है जिसके सार्व अनुपात का मान कितना है, इसका सार्व अनुपात देखो अगर इसकी पावर अपन जीरो करेंगे तो इसका मान वन बनाएगा, पावर वन करेंगे तो जेड अपॉन जेड जीरो का मोड बनाएगा, फिर टू करेंगे तो जेड अपॉन जेड जीरो के मोड की पावर मोड का होल स्क्वायर बना देगा, तो ये गुणोत्तर श्रेणी बन रही है जिसका सार्व अनुपात का जो मान है वो बना रहा है जेड अपॉन जेड जीरो की पावर जेड जेड अपॉन जेड जीरो का मोड, ये इसका आर का मान है सार्व अनुपात का मान, और इसका मान एक से कम है, और सार्व अनुपात का मान जब एक से कम होता है तो तुलना परीक्षण अपने को ये कहता है कि जब कभी भी किसी गुणोत्तर श्रेणी की बात करें कि अगर किसी गुणोत्तर श्रेणी के सार्व अनुपात का मान एक से कम है और वो श्रेणी हमेशा वर्धमान श्रेणी है तो ऐसी पोजिशन में वो श्रेणी हमेशा ही कैसी होती है, अभिसारी होती है। तो यहां से अपने पास में ये जो श्रेणी आएगी, ये श्रेणी z अपॉन z जीरो के मोड की होल पावर n, ये श्रेणी हमेशा कैसी रहेगी, अभिसारी श्रेणी हो जाएगी। अब हमको पता है ये श्रेणी अगर अभिसारी है तो हमने फर्स्ट ईयर में अभिसारिता का एक तुलना परीक्षण पढ़ा है, उस तुलना परीक्षण में ये कहता है अपने को, तुलना परीक्षण ये कहता है कि अगर आपके पास कोई ऐसी श्रेणी है कोई भी, और वो श्रेणी किसी ऐसी श्रेणी से किसी दूसरी श्रेणी से लेस देन इक्वल है, लेस देन या लेस देन इक्वल है, तो जो दूसरी वाली श्रेणी अगर अभिसारी है, या फिर अपन कह सकते हैं कि या तो दोनों श्रेणियां एक साथ अभिसारी होती है या दोनों श्रेणियां एक साथ अपसारी होती है, तो यहां पे तुलना परीक्षण ये कहता है कि अगर ये श्रेणी अभिसारी है तो इससे जो छोटी श्रेणी है लेस देन इक्वल जिसके साथ है ये, वो श्रेणी भी कैसी होगी, अभिसारी होगी, तो इसकी वजह से तुलना परीक्षण से ये श्रेणी भी कैसी हो जाएगी, अभिसारी हो जाएगी। और ये श्रेणी अगर अभिसारी है तो निरपेक्ष अभिसारिता ये कहती है कि अगर ये श्रेणी अभिसारी है, समीशन एन बराबर जीरो टू इंफिनिटी मापांक ए एन जेड की पावर एन, अगर ये श्रेणी अभिसारी है तो हमने पहले भी पढ़ा था कि ये जो श्रेणी है कौन सी, ए एन जेड की पावर एन, ये श्रेणी भी कैसी है, अभिसारी है, और ए एन जेड की पावर एन ये अभिसारी है, और इसका जो मापांक है ए एन जेड की पावर एन ये भी कैसा हुआ, अभिसारी हुआ। तो हमने ये शुरू में लिखा था कि अगर श्रेणी ए एन जेड की पावर एन अभिसारी है और इसके मापांक ए एन जेड की पावर एन का मोड भी अभिसारी है तो इस श्रेणी को हम कैसी श्रेणी कहते हैं, निरपेक्ष
अभिसारी श्रेणी कहते हैं। ठीक है, तो यहां पे अगले ने यही प्रूव करवाया अपने को कि z मापांक इज लेस देन z जीरो के लिए ये जो श्रेणी है वो कैसी आ जानी चाहिए, अभिसारी आ जानी चाहिए। और ये श्रेणी अपने पास अभिसारी आ रही है क्योंकि ये श्रेणी लेस देन इक्वल है इस श्रेणी से, और ये गुणोत्तर श्रेणी है, और गुणोत्तर श्रेणी में अगर इसका सार्वानुपात का मान लेस देन 1 रहता है तो वो सदैव हमेशा अभिसारी होता है। तुलना परीक्षण की अगर बात करें तो तुलना परीक्षण से इससे जो लेस देन इक्वल ये श्रेणी है, ये श्रेणी भी कैसी हो जाएगी, अभिसारी हो जाएगी। और अगर ये श्रेणी अभिसारी है और इसका बिना मोड के का जो श्रेणी बन रही है a n z की पावर n, ये पहले से अभिसारी दे रखी है, तो ये श्रेणी अभिसारी, इसका मापांक भी अभिसारी, तो इससे ये श्रेणी कैसी हो जाएगी, निरपेक्ष अभिसारी श्रेणी हो जाएगी। ठीक है, बात करते हैं अपन दूसरे क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 अपना जो है, सिद्ध कीजिए कि समीशन, प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए कि समीशन n इक्वल जीरो टू इंफिनिटी ए एन जेड की पावर n, एक श्रेणी दे रखी है तथा एक दूसरी श्रेणी और दे रखी है, समीशन n इक्वल जीरो टू इंफिनिटी n ए एन जेड की पावर n माइनस वन, दोनों घात श्रेणियों, इन दोनों जो पावर सीरीज है दोनों की दोनों, ये दोनों घात श्रेणियों, घात श्रेणियों की अभिसरण त्रिज्याएं समान है, अभिसरण त्रिज्याएं समान है। ठीक है, अब दोनों की अभिसरण त्रिज्याएं समान है, अभिसरण, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि ये अभिसरण त्रिज्या होती क्या है, अभिसरण त्रिज्या का मतलब क्या है। जैसे कोई भी पावर सीरीज दे रखी है, समीशन मैंने बात की ए एन जेड की पावर एन की, कि ये जैसे घात श्रेणी है ए एन जेड की पावर एन, इस घात श्रेणी के लिए वे सभी बिंदु, इसी तल के ऊपर देखे अपन जेड के वो सारे मान, कि जेड के सारे के वो सारे के सारे मान जिनके लिए ये अभिसारी होती है, जेड के वो सारे के सभी सभी के सभी मान जिनके लिए ये श्रेणी कैसी होती है, अभिसारी होती है। तो अगर उन सभी बिंदुओं की ये को अगर अपन एक सर्किल में ले, किसी एक सर्किल में ले, कि एक ऐसे सर्किल या ऐसा सर्किल जिसके अंदर के सभी बिंदुओं पर ये श्रेणी कैसी आ जाए, अभिसारी आ जाए, तो ऐसे सर्किल को तो कहते हैं अपन कैसा, अभिसारी वृत्त कहते हैं, कन्वर्जेंट सर्किल कहते हैं, ऐसे को तो कहे अपन अभिसारी वृत्त कहते हैं। और उस वृत्त की जो त्रिज्या होती है, उस वृत्त की जो त्रिज्या होती है उसको कहा जाता है अभिसारी या अभिसरण त्रिज्या। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं अभिसारी त्रिज्या की। अब इस अभिसारी त्रिज्या के लिए अपन बात करें तो मान के चले ले वो ये एक श्रेणी दे रखी है, इस अभिसारी त्रिज्या का डिफाइन कैसे करते हैं अपन, कि जैसे कोई सर्किल है z मापांक इक्वल r, मैंने इसका सर्किल माना अभिसारी त्रिज्या, इसका अभिसरण सर्किल जो माना मैंने, मैंने मान लिया z मापांक इक्वल r। ठीक है, अब z मापांक इक्वल r इसका अगर सर्किल मान लिया, अभिसारी वृत्त मान लिया मैंने, तो इसकी जो त्रिज्या बनेगी, इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, अभिसारी त्रिज्या r। और इसके लिए डिफाइन करते हैं अपन तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर ले तो यहां का मान जो z का जो समीसर संख्या के रूप में जो an चलता है, गुणांक चलता है, उसको लेके चलते हैं। तो इसके लिए अभिसारी त्रिज्या का फॉर्मूला लेते हैं अपन, अभिसारी त्रिज्या के लिए फॉर्मूला काम में लेते हैं, वो होता है 1 अपॉन r इक्वल लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी सुप्रीमम, सुप्रीमम का मतलब अधिकतम, ए एन की ए एन के मोड की पावर 1 अपॉन n। ये अभिसरण त्रिज्या का फॉर्मूला काम में लेते हैं अपन कि 1 अपॉन r इक्वल लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी सुप्रीमम ए एन की पावर 1 अपॉन n। तो हम मान के चल रहे हैं इस बात को कि माना श्रेणी समीशन ए एन जेड की पावर n का अभिसरण जो व्रत है, अभिसरण व्रत वो है जेड मापांक बराबर r। तो अभिसरण त्रिज्या की अगर बात करूं मैं, तो अभिसरण त्रिज्या क्या हो जाएगा, 1 अपॉन r बराबर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी सुप्रीमम a n के मापांक की पावर 1 अपॉन n। ये इसके अभिसरण त्रिज्या के लिए अपन ने मान निकाल लिया। ठीक है, 1 अपॉन r ले सकते हो, 1 अपॉन r1 ले सकते हो, इसकी r1 माने तो r1 हो जाएगा, और ये 1 अपॉन r1 इक्वल लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी सुप्रीमम a n की पावर 1 अपॉन n हो जाएगा। ठीक है, ये तो आई अपने पास में इस श्रेणी की अभिसरण त्रिज्या के रूप में आ गया मान अपने पास। अब बात करता हूं दूसरी वाली श्रेणी के लिए,
ये जो दूसरी श्रेणी दे रखी है, दूसरी श्रेणी है समीशन n बराबर 0 टू इंफिनिटी n a n की a n z की पावर n माइनस 1 के लिए। अगर इसकी घात श्रेणी को मैं या इसका अभिसरण वृत्त का अभिसरण वर्त या कि अभिसरण त्रिज्या ले लेते हैं कि अभिसरण त्रिज्या यदि R2 हो तो, इसकी अभिसरण त्रिज्या का नाम मैं अगर R2 दे दूं, R2 हो तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कर लें कि अभिसरण त्रिज्या 1/R2 बराबर, अब यहां देखो Z का पद ये है अपने पास में और इसका गुणांक चल रहा है n a n, तो अपने पास में फॉर्मूला बन जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी और जहां ये सुप्रीमम का सुप्रीमम रह जाएगा a n के मापांक की पावर 1/n चल रहा था, वहां पे मान आएगा किसका n a n के पावर n a n के मापांक की पावर 1/n। ठीक है, तो यहां से 1/R2 बराबर, देखो n एक संख्यात्मक मान है, a n का मान जो भी रहेगा वो गुणांक के रूप में रहेगा, तो इसके अपन दो टुकड़े करें मापांक के अकॉर्डिंग गुणांक के रूप में लिमिट के साथ में, तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी ये n की पावर 1/n अलग हो जाएगा। ठीक है, और लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी सुप्रीमम a n के मापांक की पावर 1/n अलग हो जाएगा। अब बात करते हैं इसकी कि हमें पता है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n की पावर 1/n का जो मान होता है वो सदैव कितना होता है, एक ये लिमिट का नियम है, लिमिट में अगर देखा होगा कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n की पावर 1/n इक्वल कितना होता है, एक, तो ये तो मान बना देगा एक, तो 1/R2 बराबर मान आएगा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी सुप्रीमम a n के मापांक की पावर 1/n, और हमें पता है कि ये जो मान अपन ने लिखा है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी सुप्रीमम a n के मापांक की पावर 1/n ये किसके बराबर है 1/R1 के, तो 1/R2 बराबर 1/R1। यहां से जब दोनों को अपन पलट दें तो यहां से मान आएगा अपने पास, या वज्र गुणा करें तो R1 बराबर R2 बराबर R2 का मतलब R1 माना था अपन ने पहले जो घात श्रेणी है उसकी अभिसरण त्रिज्या को, और R2 माना है अपन ने दूसरी जो घात श्रेणी है उसकी अभिसरण त्रिज्या को, तो यहाँ R1 बराबर R2 आ रहा है, इसका मतलब दोनों घात श्रेणियों की अभिसरण त्रिज्याएं समान होगी। अपने जो क्वेश्चन इसमें एक और आता है अपना अभिसरण त्रिज्या ज्ञात करने से रिलेटेड, कि अपने को कोई श्रेणी दी हुई होगी और उसकी अभिसरण त्रिज्या, या तो एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन उसमें से पूछेगा, छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं ये अभिसरण त्रिज्या ज्ञात करने से रिलेटेड होते हैं, तो कुछ मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ लिखे हैं, देखो अभिसरण त्रिज्या ज्ञात कीजिए, तीसरा क्वेश्चन अपन लिखा है कि अभिसरण त्रिज्या ज्ञात कीजिए, तो मैंने कुछ श्रेणियां ली है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाए हैं इसमें से, पहला है समीशन, ये श्रेणी के रूप में ही है, समीशन n बराबर 0 टू इंफिनिटी, मैंने लिमिट लगा नहीं रखी है, तो n इक्वल 0 से इंफिनिटी ये अनंत श्रेणी है सारी, तो n रूट 2 प्लस आयोटा अपॉन 1 प्लस 2 आयोटा n z की पावर n, दूसरा क्वेश्चन ये है, तीसरा है z की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल, चौथा है n फैक्टोरियल का होल स्क्वायर अपॉन 2n फैक्टोरियल z की पावर n, ये है समीशन n इक्वल 1 टू इंफिनिटी 1 × 3 × 5 2n-1 अपॉन n फैक्टोरियल 1 z अपॉन z की होल पावर n, और ऐसे ही एक श्रेणी और दे रखी है। ठीक है, तो ये कुछ से इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिए मैंने अभिसरण त्रिज्या ज्ञात करने से रिलेटेड, तो अभिसरण त्रिज्या के लिए अपन ने देखो एक तो फॉर्मूला ये पढ़ा था कि अगर कोई श्रेणी अपने को दे रखी है समीशन a n z की पावर n, ठीक है, इस श्रेणी के लिए अभिसरण त्रिज्या अगर r नाम दूं मैं तो 1/r इक्वल अपन ने पढ़ा था लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी सुप्रीमम a n के मोड की पावर 1/n। ठीक है, एक तो ये होता है, एक इसी का एक दूसरा फॉर्मूला है कि अगर r बराबर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी a n अपॉन a n प्लस 1 का मोड, ये एक r का फॉर्मूला और होता है अभिसरण त्रिज्या ज्ञात करने का, कि r बराबर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी a n अपॉन a n प्लस 1 की होल का मोड, ठीक है, an अपॉन an प्लस 1 का मोड का मापांक, ठीक है, यह अभिसरण त्रिज्या का एक फॉर्मूला और होता है। अब दोनों फॉर्मूले काम में ले सकते हैं, तो आप ध्यान में रखें मोस्टली ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला अधिकतर उन्हीं में अपने को काम में लेना है जिनमें an जो पद आ रहा है अपने पास में, z का जो गुणांक आ रहा है
उनकी होल पावर में एन चल रहा हो, ठीक है, ए एन के होल पावर में क्या चल रहा हो, एन चल रहा हो, जिनके पावर में एन चल रहा हो उसके लिए अगर ये फॉर्मूला काम में लेंगे अपन तो इजी रहेगा अपने लिए आर का मान निकालना, बाकी सभी जितने भी बहुपद बन रहे जितने भी पद बन रहे हैं उनके लिए अपने ये फॉर्मूला जो है वो ज्यादा इजी रहेगा आर बराबर। तो जैसे मैं पहला क्वेश्चन जो है उसका वो लेके चलते हैं अपन कि समीशन एन रूट टू प्लस आयोटा अपॉन वन प्लस टू आयोटा एन और इनटू में दे रखा है जेड की पावर एन। तो यहां से अगर देखा जाए तो ए एन का मान ये है क्योंकि श्रेणी होती है ए एन जेड की पावर एन, जेड का पद होता है आगे वाला और इसके गुणा में ए एन होता है, तो आपको हर पद के अंदर जेड वाले पद का जो गुणांक होता है उसको ए एन मान के चलना है। ये अपने पास में ए एन का मान है तो यहां से ए एन का मान उठाया मैंने, ए एन बराबर आया एन रूट टू प्लस आयोटा अपॉन वन प्लस टू आयोटा एन, ये ए एन का मान है। अब यहां an का मान है, मुझे जरूरत है an के मोड की, तो an का अगर यहां से मापांक निकाला जाए तो देखो एक ये भी सम्मिश्र संख्या है a प्लस आयोटा b के रूप में और ये भी सम्मिश्र संख्या है a प्लस आयोटा b के रूप में, जब इनका मापांक निकाला जाए तो सम्मिश्र संख्या का मापांक होता है रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए का स्क्वायर करूं तो रूट टू एन का स्क्वायर करेंगे तो टू एन स्क्वायर हो जाएगा प्लस आयोटा के गुणा में वन है तो वन का स्क्वायर वन अपॉन 1 प्लस टू आयोटा एन का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस टू एन का स्क्वायर करें तो 4 एन स्क्वायर, ये एन का मोड आ जाएगा। जैसे एन निकाला तो मैंने एन प्लस 1 का भी मान लिख रखा है, एन प्लस 1 के मान की बात करूं अगर मैं तो ए एन प्लस 1 में यहां एन के स्थान पर एन प्लस 1 हो जाएगा, एन प्लस 1 रूट 2 प्लस आयोटा अपॉन यहां पे 1 प्लस इसमें अगर लिखा तो 2 इंटू ये हो जाएगा एन प्लस 1 और आयोटा, ठीक है 2 इंटू एन प्लस 1 और आयोटा, तो ये 2 एन प्लस 2 लिख सकते हैं अपन इसको। यहां से अगर इसका मान अगर मोड निकाले अपन ए एन प्लस 1 का मोड बराबर देखो रूट यहां से ये a पूरा a है प्लस आयोटा b का रूप है तो n प्लस 1 का होल स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा प्लस 1 अपॉन इसमें भी 1 का स्क्वायर 1 प्लस किसका होल स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और n प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये an प्लस 1 का मोड आ जाएगा। अब बात करें r के फॉर्मूले की तो r बराबर लिख रखा है अपने लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी an अपॉन an प्लस 1 का मोड, तो मैं an का मान लिख रहा हूं, an का मोड ये रहा रूट ये आ जाएगा 2n स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 4 एन स्क्वायर, ठीक है फिर अपॉन में आएगा इसके an प्लस 1 का मोड, तो an प्लस 1 का मोड जब इसके अपॉन में आएगा तो मैं इसको पलट के लिख रहा हूं इसके मल्टीप्लाई में ये रूट और दोनों का रूट एक साथ ले लेते हैं क्या आ जाएगा 1 प्लस 4 इंटू एन प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू एन प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। ये अपने पास में r का मान फॉर्मूला रहे लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ये an अपॉन an प्लस 1 है तो an प्लस 1 का मान पलट के लिखा है मैंने तो 1 प्लस 4 इंटू एन प्लस 1 का होल स्क्वायर ये 2 इंटू एन प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। अब इसे हल करें अपन तो ध्यान दें यहां से देखो 1 प्लस 4 एन स्क्वायर और ये 2 एन स्क्वायर प्लस 1 है, चाहे तो अपन इसमें से एन स्क्वायर को कॉमन निकाल सकते हैं। इन दोनों पदों की अगर बात करें तो 1 प्लस 4 इंटू एन प्लस 1 का होल स्क्वायर है, इसमें से भी अपन n को कॉमन निकाल लेते हैं और इसमें से भी अपन n को कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहां से मान जो बनेगा अपने पास में r बराबर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी इसमें से n स्क्वायर कॉमन निकाला ये रूट में है n स्क्वायर को जब कॉमन निकालेंगे n स्क्वायर तो क्या बचेगा यहां से 2 प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर, ठीक है बटा इसमें से n स्क्वायर कॉमन निकाला अगर तो क्या बचेगा अपने पास में 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस 4, ये तो इन दोनों पदों में से रह जाएगा इनटू इसमें से देखो अगर इसमें से मैंने n को कॉमन निकाला केवल इस कोष्ठक में से तो यहां n स्क्वायर बनकर बाहर आएगा, ये n स्क्वायर बनकर या 4n स्क्वायर बना लेगा तो 4n स्क्वायर और 1 इसमें से भी अगर मैं बाहर n स्क्वायर को कॉमन निकाल लूं तो 1 के अपॉन में भी n स्क्वायर आ जाएगा तो क्या बनाएगा यहां से देखो n स्क्वायर कॉमन लिया तो क्या बचा यहां से 1 के बटे में 1 अपॉन n स्क्वायर, ठीक है और प्लस यहां से 4 है तो ये 4 रह जाएगा इनटू n मैंने कॉमन निकाल लिया तो क्या बचा यहां से 1 प्लस 1 अपॉन n का होल स्क्वायर, ठीक है ये पद रहेगा इसके अंदर।
बटा सेम ऐसा कैसा इसके साथ करते हैं अपन एन स्क्वायर, इसमें से भी कॉमन निकाल लेते हैं और एन स्क्वायर जैसे ही कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा यहाँ से, तो टू तो है ही है, फिर इसके बाद में एन मैंने कॉमन निकाल लिया, जैसे एन कॉमन निकाला है इसमें तो एन स्क्वायर बनकर आएगा, तो एन स्क्वायर कॉमन आ जाएगा टू और इंटू में आएगा वन प्लस वन अपॉन एन का होल स्क्वायर और प्लस वन अपॉन एन स्क्वायर, ये अपने पास में इसका मान आएगा। एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल, ये एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल। अब बात करता हूं मैं लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी की, तो जब लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी रखेंगे तो देखो वन अपॉन इंफिनिटी जीरो, तो जहां भी वन अपॉन इंफिनिटी बन रहा है वो मान जीरो हो जाएगा, तो आर बराबर ये रूट लिमिट रख दी मैंने तो यह आएगा टू प्लस जीरो, ये टू रह जाएगा, ये जीरो प्लस फोर तो फोर आ जाएगा टू बाई फोर इंटू, इसमें देखें तो यहां से मान बनेगा जीरो प्लस फोर इंटू वन, ये फोर अपॉन यहां से मान देखें तो ये टू और ये जीरो, तो टू इंटू वन प्लस जीरो प्लस ये जीरो तो टू आ जाएगा, यहां ये कैंसिल हो जाने तो आर बराबर एक, ये अपने पास इसकी अभिसरण त्रिज्या आ जाएगी। तो यहां से अपने पास में आर बराबर एक ये इसकी अभिसरण त्रिज्या है, तो ये तो अपना पहला क्वेश्चन था इस पहले पार्ट का। अब बात करते हैं अपन इसके सेकंड वाले की, तो सेम इसी प्रकार से लेके चलेंगे अपन इनको भी, सेकंड वाला देखें इसका सेकंड पार्ट ये, अगर इसको ले अपन तो इसमें ए एन का मान निकालें अपन, ए एन बराबर क्या दे रखा है, देखो ये तो जेड का पद इसलिए तो इसको तो छोड़ दिया, बाकी जो पद बचा हुआ उसको लेते हैं, ए एन बराबर हो गया एन स्क्वायर बटा वन प्लस आयोटा की होल पावर एन, ठीक है, यहां से एन स्क्वायर बटा वन प्लस आयोटा की होल पावर एन है, अगर अपन यहां से ए एन का मोड निकालें मापांक तो क्या आएगा, देखो एन स्क्वायर है एन स्क्वायर तो एन स्क्वायर ही रह जाएगा बटा वन प्लस आयोटा सेमेस्टर संख्या है और सेमेस्टर संख्या का मोड अगर निकाले तो पावर एन है, तो ये मापांक लेते हैं अपन, तो जब भी मापांक लेते हैं तो मापांक केवल इसी का होता है, तो क्या बनाएगा रूट, ये क्या आएगा वन प्लस आयोटा, और वन प्लस आयोटा है तो वन प्लस आयोटा की पावर, तो वन प्लस आयोटा का मतलब वन ही हो जाएगा, वन प्लस वन ये वन प्लस वन की होल पावर एन, ठीक है, तो रूट टू बना देगा ये, तो लिखेंगे एन स्क्वायर बटा रूट टू की पावर एन, ओके। अब यहां से ए एन प्लस वन निकालूंगा, ए एन प्लस वन तो आएगा एन प्लस वन का होल स्क्वायर बटा वन प्लस आयोटा की होल पावर एन प्लस वन, और यहां से ए एन प्लस वन का अगर मोड निकाला जाए तो यहां एन प्लस वन का होल स्क्वायर एज इट इज बटा वन प्लस वन, ये रूट में आएगा की होल पावर एन प्लस वन, मतलब एन प्लस वन का होल स्क्वायर बटा रूट टू की पावर एन प्लस वन। अब यहां आर का फॉर्मूला लगे तो आर बराबर लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी ए एन बटा ए एन प्लस वन का मॉड, मान रखू मैं अगर लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी, ए एन का जो मान है वो ए एन का मान है एन स्क्वायर अपॉन रूट टू की होल पावर एन इंटू ए एन प्लस वन का मान बटे में रखना है, तो ये मान अगर बटे में लिखे तो पलट के लिखना हूं रूट टू की होल पावर एन प्लस वन अपॉन ये एन प्लस वन का होल स्क्वायर, देखो यहां एन स्क्वायर है इसमें से एन कॉमन निकाल लेता हूं, तो लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी ये एन स्क्वायर अपॉन रूट टू की पावर एन इंटू, इसे अलग अलग करें आधार समान होते हैं तो घातें जुड़ती है तो अलग अलग भी कर सकते हैं, रूट टू की पावर एन इंटू रूट टू अपॉन इसमें से एन को कॉमन निकाला तो एन स्क्वायर बनकर आएगा वन प्लस वन अपॉन एन का होल स्क्वायर, एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल, रूट टू की पावर एन से रूट टू की पावर एन कैंसिल, तो क्या बचा यहाँ से केवल रूट टू, और रही बात लिमिट की तो अगर लिमिट ट्रांसफर कर दूं तो वन प्लस वन अपॉन एन, एन का मान इंफिनिटी रखा था जीरो तो वन अपॉन या रूट टू अपॉन वन प्लस जीरो तो वन रह जाएगा, तो मान अपने पास आर का जो आएगा वो कितना आ जाएगा रूट टू, ये इसकी अभिसरण त्रिज्या हो जाएगी। तो ये अपना इसका सेकंड इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। इसके बाद अपन बात करते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन की। तीसरा क्वेश्चन दे रखा है अपने को समीशन z की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल, तो इसमें देखा रहे तो an का जो मान है ये z की पावर n तो घात श्रेणी का रूप है, 1 अपॉन n फैक्टोरियल an का मान है तो an बराबर
वन अपॉन एन फैक्टोरियल, ऐसे ए एन प्लस वन की बात करूं तो वन अपॉन एन प्लस वन फैक्टोरियल हो जाएगा। इसमें ए एन का अगर मोड निकाले तो ए एन का मोड भी यही आएगा वन अपॉन एन एन फैक्टोरियल, और ए एन प्लस वन का मोड देखें तो भी यही आएगा वन अपॉन एन प्लस वन फैक्टोरियल। अब इन दोनों में से आर के लिए फॉर्मूला लगाएं, लिमिट एन टेंड्स टू इनफिनिटी ए एन बटा ए एन प्लस वन का मोड, तो आ जाएगा लिमिट एन टेंड्स टू इनफिनिटी ए एन का मान है वन अपॉन एन फैक्टोरियल, ए एन प्लस वन का मान बटे में आएगा तो पलट के लिख देता हूं एन प्लस वन फैक्टोरियल बटा वन, यहां से लिमिट एन टेंड्स टू इनफिनिटी वन अपॉन एन फैक्टोरियल, एन प्लस वन को लिखा मैंने एन प्लस वन इंटू एन फैक्टोरियल बटा वन, एन फैक्टोरियल से एन फैक्टोरियल कैंसिल, बचेगा क्या अपने पास में लिमिट एन टेंड्स टू इनफिनिटी केवल एन प्लस वन रहेगा। अब यहाँ एन तो हटने से रहा, अगर लिमिट रखे एन टेंड्स टू इनफिनिटी तो इसका मान कितना आएगा इनफिनिटी प्लस वन मतलब इनफिनिटी, तो इसकी जो अभिसरण त्रिज्या आएगी वो कितनी आएगी अनंत आएगी, ठीक है। तो तीसरे वाले की अभिसरण त्रिज्या अनंत रहेगी। चौथा जो क्वेश्चन है इसकी अभिसरण त्रिज्या देखें अपन, तो चौथे क्वेश्चन की अभिसरण त्रिज्या चौथा ए एन का मान लिख रहा हूं सीधा इसमें से, ए एन बराबर है एन फैक्टोरियल का होल स्क्वायर बटा टू एन फैक्टोरियल, ठीक है। अब एन फैक्टोरियल का होल स्क्वायर बटा टू एन फैक्टोरियल, तो इसका ए एन का जो मोड है ये भी एक यही रहेगा, सेम मान रहेगा इसमें। फिर ए एन प्लस वन की अगर बात करूं तो ए एन प्लस वन में देखो एन प्लस वन फैक्टोरियल का होल स्क्वायर हो जाएगा अपॉन टू इंटू एन प्लस वन का फैक्टोरियल, ठीक है, ऐसा रहेगा ए एन बटा ए एन प्लस वन। इसको थोड़ा सा अपन अलग करें तो लिख सकते हैं एन प्लस वन फैक्टोरियल का होल स्क्वायर बटा, इसे क्या लिखा जा सकता है टू एन प्लस टू लिख सकता हूं मैं, टू एन प्लस टू का फैक्टोरियल। अब बात करें आर की, तो आर बराबर लिमिट एन टेंड्स टू इनफिनिटी ए एन बटा ए एन प्लस वन का मॉड, तो बराबर ए एन का जो मान है ए एन का मान कितना रहेगा अपने पास में, ए एन का मान है ये एन फैक्टोरियल है तो एन फैक्टोरियल का होल स्क्वायर, तो मैं इसे एन फैक्टोरियल इंटू एन फैक्टोरियल ले सकता हूं अपॉन टू एन फैक्टोरियल है तो ये टू एन फैक्टोरियल आ जाएगा, ठीक है, इंटू अपॉन में दे रखा है ए एन प्लस वन का मान, और ए एन प्लस वन के मान को अपन अगर इसके बट्टे में लें तो ये मान जो अपने पास में पलट के लिख रहा हूं इसको, तो बना देगा टू एन प्लस टू फैक्टोरियल बटा एन प्लस वन फैक्टोरियल का होल स्क्वायर, तो एन प्लस वन फैक्टोरियल इंटू एन प्लस वन फैक्टोरियल, डबल बार लिख लिया अपन इसको, इसे चेंज करें आगे आर बराबर देखो एन फैक्टोरियल इंटू एन फैक्टोरियल बटा टू एन फैक्टोरियल इंटू टू एन प्लस टू फैक्टोरियल है तो फैक्टोरियल को विस्तार करके लिखे तो पहले आएगा टू एन प्लस टू देखो, फिर इसमें से एक कम किया तो टू एन प्लस वन, फिर इसमें से एक कम किया तो क्या आ जाएगा टू एन, और यहाँ फैक्टोरियल पे एंड कर सकता हूं मैं अपॉन में एन प्लस वन को मैंने लिखा एन प्लस वन इंटू एन फैक्टोरियल, इस एन प्लस वन को तो एन प्लस वन इंटू एन फैक्टोरियल, एन फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल से एन फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, टू एन फैक्टोरियल से टू एन फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, सॉरी इसमें लिमिट चल रही थी लिमिट एन टेंड्स टू इनफिनिटी, ये लिमिट एन टेंड्स टू इनफिनिटी, तो आर बराबर लिमिट एन टेंड्स टू इनफिनिटी क्या क्या मान बचा हुआ है, तो टू एन प्लस टू यहां से बचा है, ये टू एन प्लस वन बचा हुआ है अपॉन इधर से एन प्लस वन इंटू एन प्लस वन, ये दो मान ये बचे हैं। अगर इनमें से n कॉमन निकाल लें तो देखो इसमें से और इसमें से n कॉमन निकाल लें, इसमें से और इसमें से n कॉमन निकाल लें तो ऊपर भी n स्क्वायर बना देगा और बटे में भी n स्क्वायर बना लेगा, n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी, वो मान बचेगा 2 प्लस 2 बाई n ये इंटू 2 प्लस 1 बाई n अपॉन 1 प्लस 1 बाई n इंटू 1 प्लस 1 बाई n, ये मान आएगा लिमिट एन टेंड्स टू इनफिनिटी है, और जब इसमें लिमिट रख दी जाए तो आर बराबर देखो लिमिट रखेंगे तो ये जीरो ये जीरो ये जीरो और ये जीरो चारों पद जीरो हो जाएंगे, तो टू यहां से और टू यहां से, टू इंटू टू फोर, वन इंटू वन वन, तो आर का जो मान है वो कितना आ जाएगा चार। तो इसका चौथा क्वेश्चन जो है ये इसके अभिसरण त्रिज्या का जो मान आएगा वो कितने मान आएगा अपने पास में फोर आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं इसके पांचवे और छठवें क्वेश्चन की, अच्छे प्रश्न है दोनों के दोनों ही है, क्वेश्चन नंबर पांच देखें, पांचवा देखो इसमें,
समीशन एन इक्वल वन टू इंफिनिटी, तो यहां मैं सीधा एन का ही मान उठा रहा हूं। देखो एन बराबर वन इंटू थ्री इंटू फाइव डॉट 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 टू एन माइनस वन, विषम संख्या ली इसमें, अपॉन में दे रखा है एन फैक्टोरियल, ये एन का मान है, बाकी जेड का पद इसलिए जेड की पावर एन वाला फॉर्म मानेंगे इसको मैं। तो एक इंटू तीन इंटू पांच डॉट 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 टू एन माइनस वन बटा एन फैक्टोरियल, ये एन का मान है, यहीं से एन प्लस वन का भी मान निकालो। एन प्लस वन बराबर देखो एक इंटू तीन इंटू पांच डॉट डॉट डॉट, अगर एन की जगह एन प्लस वन रखूंगा तो ये टू एन प्लस वन तो आएगा ही आएगा, टू एन माइनस वन है सॉरी, टू एन माइनस वन तो आएगा ही आएगा, इसके आगे का पद और आ जाएगा क्या कि एन की जगह देखो एन प्लस वन रखा तो क्या बनाएगा टू एन प्लस टू और माइनस वन तो क्या बनाएगा टू एन प्लस वन, जस्ट आगे का पद वैसे डॉट 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 में होगा लेकिन पीछे तो पद रह जाएगा ये, अपॉन में एन की जगह एन फैक्टोरियल एन प्लस वन तो एन प्लस वन फैक्टोरियल। आर का फॉर्मूला लगाए इसके लिए भी, लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी ए एन बटा ए एन प्लस वन का मॉड, ठीक है, तो लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी ए एन का मान लिखे तो ए एन का मान है ए इंटू तीन इंटू पांच डॉट 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 टू एन माइनस वन अपॉन एन फैक्टोरियल, एन प्लस वन का मान ए एन प्लस वन का मान लिखे तो ये मान अलर्ट किया जाएगा एन प्लस वन फैक्टोरियल, या अपॉन में लिख देता हूं, यह आएगा एक इंटू तीन इंटू पांच डॉट 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 टू एन माइनस वन इंटू टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन फैक्टोरियल, ठीक है। देखो एक इंटू तीन इंटू पांच इंटू डॉट 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 टू एन माइनस वन से ये टू एन माइनस वन तक का पार्ट तो कैंसिल हो जाएगा, तो आर बराबर लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी क्या बचेगा यहां से तो वन अपॉन एन फैक्टोरियल, वन अपॉन एन फैक्टोरियल, और इधर से केवल ये पद बचेगा तो एन प्लस वन फैक्टोरियल पलट के ऊपर चला जाएगा बटा टू एन प्लस वन, ठीक है। एन प्लस वन फैक्टोरियल को अपन लिखें तो एन प्लस वन इंटू एन फैक्टोरियल लिख सकते हैं, एन फैक्टोरियल से एन फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, एन प्लस वन बटा टू एन प्लस वन बचेगा, यहां से एन कॉमन निकाल लू तो लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी एन को कॉमन निकाला वन प्लस वन अपॉन एन बटा इसमें से एन कॉमन निकाला तो टू प्लस वन अपॉन एन, एन से एन कैंसिल लिमिट रखेंगे तो ये जीरो और ये जीरो तो मान आ जाएगा केवल वन बाई टू, तो आर का जो मान बनेगा इसके लिए वो कितना बनेगा कि पांचों जी ये जो दे रखा है अपने को एक इंटू तीन इंटू पांच डॉट 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 टू एन माइनस वन, इसकी जो विसरण त्रिज्या का मान आएगा वो आर इक्वल कितना आ जाएगा वन बाई टू आ जाएगा, ठीक है। ऐसे इसका एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, दे रखा है ये z z स्क्वायर तो n वा जो पद बनेगा इसका ए एन बराबर वही समीशन में अगर लें तो n वा पद हो जाएगा वन प्लस सॉरी देखो पहला पद है इसमें श्रेणी पूरी दे रखी है इसने, समीशन के रूप में नहीं दे रखा, श्रेणी दे रखी है इसने वन पहला पद, ये दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवा इस प्रकार से आ रहा है। तो देखो पहले पद में जेड की पावर जीरो, दूसरे में जेड की पावर वन, तीसरे में z की पावर 2, तो ऐसे चलते करते nवें पद की अगर बात करूं तो nवें पद में z की पावर क्या आएगी n माइनस वन आ जाएगी। ऐसे ही पहले पद में देखो एक आ रहा है, a की पावर 0 चल रही है, b की पावर भी 0 चल रही है, यहां देखा जाए तो दूसरे पद में a की पावर 1, b की पावर 1 और यहां 1 आ रहा है और यहां c आ रहा है, c की पावर 1 आ रहा है, तो इसके nवें पद की अगर मैं बात करूं an nवें पद की an का मान तो nवें पद में क्या है देखो दूसरे पद में ऐसा हुआ, तीसरे पद में a और a प्लस वन साथ में आ गया, b और b प्लस वन, ऐसे वन इंटू टू और c इंटू c प्लस वन, तो nवें पद की अगर बात करें तो nवें पद में क्या आएगा a इंटू a प्लस वन इंटू a प्लस टू डॉट 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 करके a प्लस n माइनस वन तक के पद आ जाएंगे, a प्लस n माइनस वन, ठीक है, इतने पद इसके साथ में रहेंगे। और b के वाले पद में तो b इंटू बी प्लस वन बी प्लस टू डॉट 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 बी प्लस एंड माइनस वन तक के पद साथ में रहेंगे, बटा इसके बटे वाले पदों में बात करें देखो यहां पावर वन चल रही इसलिए वन आ रहा था, यहां पावर पावर के साथ दो पद गुणा में a और a प्लस वन इसलिए वन इंटू टू आ रहा है, यहां अपने पास में टोटल n माइनस वन तक पद रहेंगे लेकिन जितने पद आ रहे हैं उतने गुणा बटे में आ रहे हैं वन इसके वन इंटू टू, फिर आगे वाले में देखो दो पद गुणा में दो दो तो वन इंटू टू, अब यहां टोटल जो पद है अपने पास में पावर वन से लेकर एन माइनस वन तक है
इसलिए टोटल जो पद गुणा में होंगे वो n तक के पद गुणा में होंगे, तो 1 इंटू 2 इंटू 3 डॉट 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 कहां तक आएगा, n तक। और c वाले के पद की बात करूं तो c इंटू c प्लस 1 c प्लस 2 डॉट 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 कहां तक आ जाएगा, c प्लस n माइनस 1 तक। ठीक है, ये पद अपने पास an का मान है, इससे इसके अकॉर्डिंग अगर an प्लस 1 का मान निकाले तो क्या आएगा, a a प्लस 1 a प्लस 2 डॉट डॉट डॉट, ये तो आएगा जाएगा a प्लस n माइनस 1, लेकिन इसके आगे वाला पद और आ जाएगा साथ में, क्योंकि n की जगह n प्लस 1 रखेंगे तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा a प्लस n। ऐसे b इंटू b प्लस 1 b प्लस 2 डॉट 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 क्या आ जाएगा, b प्लस एन माइनस 1 तो रहेगा ही रहेगा, इसके साथ में b प्लस एन और आ जाएगा, बटा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डॉट 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 एन और एन प्लस 1, यह आ जाएगा c इंटू c प्लस 1 c प्लस 2 डॉट 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 c प्लस एन माइनस 1 तो रहेगा ही रहेगा, इसके गुणा में c प्लस एन और आ जाएगा। अब बात करें r की, तो r बराबर लिमिट n tends to infinity a n बटा a n प्लस 1 का मॉड बराबर a n का मान ये रहा और a n प्लस 1 का मान ये रहा। अगर अपन इन दोनों को बट्टे में रखेंगे, देखो इस पद के बट्टे में जब ये आएगा पूरा पद बट्टे में, तो मैं यही सॉल्व कर रहा हूं इसको, जब बट्टे में रखेंगे अपन तो ये बट्टा लिखा मैंने, ठीक है ध्यान दे थोड़ा सा, a इंटू ए प्लस 1 ए प्लस 2 से लेकर a प्लस n माइनस 1 तक, तो ये पूरा पद यहां तक कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ऐसे b से लेकर ये तो पूरा पद है, ये पूरा पद कैंसिल हो जाएगा केवल b प्लस n को छोड़कर, यहाँ a प्लस n को छोड़कर। बट्टे में देखें तो इसमें 1 2 3 से लेकर n 1 2 3 n ये पद कैंसिल हो जाएंगे, c से लेकर यहाँ c प्लस n माइनस 1 तो c प्लस n माइनस 1 तक के कैंसिल हो जाएंगे, तो बट्टे में बचेंगे एक तो n प्लस 1 बचेगा और एक c प्लस n बचेगा, दोनों पलट के कहां चला जाएगा, कहां चले जाएंगे ऊपर, तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी आ जाएगा n प्लस 1 और ये पलट के क्या बना देगा c प्लस n, बटा बटे में क्या क्या रह जाएगा इसमें से, तो c प्लस n सॉरी n प्लस 1 और c प्लस n ये तो पलट के ऊपर चले जाएंगे, इसमें एक तो रह जाएगा a प्लस n और एक रह जाएगा b प्लस n, ये अपने पास मान रह जाएगा। तो r बराबर इन दोनों में से n को कॉमन निकालेंगे तो इसमें से n और इसमें से n कॉमन निकालेंगे तो n स्क्वायर क्या बचेगा 1 प्लस 1 अपॉन n, ये क्या बनाएगा n कॉमन निकालेंगे तो c अपॉन n प्लस 1 अपॉन इसमें से n को कॉमन निकाला है और इसमें से n स्क्वायर आ जाएगा, ये आ जाएगा a बाई n प्लस 1, ये आ जाएगा b बाई n प्लस 1, n स्क्वायर से n स्क्वायर, लिमिट जब ट्रांसफर करेंगे तो ये 0 ये 0 ये 0 और ये 0, तो r बराबर 1 into 1 बटा 1 into 1, तो r बराबर कितना आ जाएगा 1, ये इसकी अभिसरण त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। देखो एक घात श्रेणी अपने अभिसरण वृत्त के अंदर प्रत्येक बिंदु पर एक विश्लेषिक फलन को निरूपित करती है, सिद्ध कीजिए, तो ये एक थ्योरम के रूप में है, तो मैंने लिखा है इसको, देखो हालांकि थोड़े से लेंथी है इसलिए थोड़ा सा जल्दी वीडियो ज्यादा लंबा ना हो इसलिए लिखा है मैंने, एक घात श्रेणी अपने अभिसरण वृत्त के अंदर प्रत्येक बिंदु पर विश्लेषिक फलन को निरूपित करता है, सिद्ध कीजिए। अब एक घात श्रेणी कोई भी घात श्रेणी है वो अपने अभिसरण वृत्त के अंदर प्रत्येक बिंदु पर एक विश्लेषिक फलन को डिनोट कर रही है, तो विश्लेषिक फलन को डिनोट कर रही है इसके लिए अपने को क्या, तो एक तो घात श्रेणी लेके चले, शुरुआत की मैंने कि माना कोई घात श्रेणी है जिसका नाम मैंने दिया एफ जेड। ठीक है, एफ जेड बराबर समीशन एन इक्वल जीरो टू इन्फिनिटी, ये समीशन के लिए लिमिट है क्योंकि अनंत श्रेणी है, एजेडी पावर एन है। ठीक है, ये अभिसारी है, मान के चल रहा हूं अभिसरण वृत्त के अंदर, मतलब अभिसारी तो है वो, उसका अभिसरण वृत्त पहले से मौजूद है, कि माना कोई घात श्रेणी है एफ जेड बराबर समीशन एन इक्वल जीरो टू इन्फिनिटी ए एन जेड की पावर एन जो है वो अभिसारी है, जिसकी अभिसारी अभिसरण जो त्रिज्या है वो मैंने ले ली कितनी आर। ठीक है, अब अभिसरण त्रिज्या अगर आर ली है, अब एक कोई अन्य घात श्रेणी और लेके चल रहे अपन, कि माना कोई अन्य घात श्रेणी एक और है जिसका नाम है जी जेड, तो जी जेड बराबर मैंने लिखा है समीशन एन इक्वल वन टू इन्फिनिटी एन 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 इंटू जेड की पावर एन माइनस वन, ये कोई दूसरी घात श्रेणी मैंने ले ली जिसका नाम है जी जेड। अब हमने इससे पहले एक क्वेश्चन हल किया था, शायद दूसरा नंबर का क्वेश्चन था, हमने ये प्रूव किया था कि ये घात श्रेणी और ये घात श्रेणी दोनों की अभिसरण जो त्रिज्याएं हैं वो समान होती है,
हमने प्रूव भी किया था इस बात को। तो यहां लिखा है मैंने कि घात श्रेणी के लिए अभिसरण त्रिज्या की अगर बात करूं तो इस फलन की इस श्रेणी के लिए था लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी सुप्रीमम an की पावर 1 / n, और इसकी जो अभिसरण त्रिज्या है उसके लिए बनाएगा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी सुप्रीमम n an की पावर 1 / n। ये दोनों मान आपस में बराबर है और इस बात को हम जानते हैं, ठीक है, और जानते ही अपने प्रूव भी किया इसके सेकंड क्वेश्चन में। तो ये दोनों मान समान होंगे और दोनों मान समान है इसका मतलब दोनों की अभिसरण त्रिज्या समान होगी, और अभिसरण त्रिज्या समान है तो जो अभिसरण त्रिज्या इसकी मानी अपन ने आर वो की वही अभिसरण त्रिज्या इसकी हो जाएगी, किसकी, जी जेड की। तो एफ जेड की और जी जेड की दोनों की अभिसरण त्रिज्याएं कैसी होगी, समान होगी, इसलिए जी जेड की अभिसरण त्रिज्या भी कितनी होगी, आर ही होगी। मतलब इस घात श्रेणी का जो अभिसरण वृत्त है उसके अंदर ही कौन स्थित है, जी जेड, क्योंकि दोनों एफ जेड और जी जेड दोनों एक ही सर्किल के अंदर अभिसारी है, इसलिए दोनों की अभिसरण त्रिज्याएं समान रहेगी। अब इसकी अभिसरण त्रिज्या भी समान है। अब अपन बात कर रहे हैं कि मान लेते हैं जो अभिसरण वृत्त है इस अभिसरण वृत्त के अंदर कोई बिंदु है जेड, ठीक है, अब कोई भी बिंदु हो सकता है जेड, इसकी अभिसरण त्रिज्या आर है, इसके अभिसरण वृत्त के अंदर कोई बिंदु जेड है जिसके लिए जेड मापांक या जेड का जो मापांक है वो लेस देन किससे है, आर से, अंदर की तरफ, इसका मतलब अभिसरण वृत्त के अंदर होगा और अभिसरण वृत्त के अंदर होगा तो जेड मापांक इज लेस देन आर होगा। अब बात करता हूं कि इनके बीच में कोई भी धनात्मक संख्या है जेड मापांक और आर, आर का मतलब परिधि के वाले बिंदु, इनके बीच में मैंने कोई धनात्मक संख्या ले ली स्मॉल आर, कि तो एक धनात्मक संख्या स्मॉल आर इस प्रकार विद्यमान है कि जेड मापांक इज लेस देन आर इज लेस देन कैपिटल आर, कि जेड मापांक के बीच में और आर जो परिधि पर है उनके बीच में एक धनात्मक संख्या ले ली मैंने, कौन सी, आर, कि कोई ना कोई एक ऐसी धनात्मक संख्या जरूर विद्यमान है कि जेड मापांक इज लेस देन आर इज लेस देन कैपिटल आर। अब यहां से अपन आर के लिए फॉर्मूला आर के लिए उठाते हैं उसे, तो चूंकि जीरो इज लेस देन आर, क्योंकि आर एक धनात्मक संख्या है और कैपिटल आर से छोटी है, तो जीरो इज लेस देन आर इज लेस देन कैपिटल आर है, तथा इसके साथ साथ समीशन एन जेड की पावर एन जो है वो कैसी है कि वृत्त जेड मापांक बराबर आर के अंदर कैसी है, अभिसारी है, लिखा है अपन ने शुरू में कि जेड मापांक इक्वल आर के अंदर ये कैसी है, अभिसारी है। तो इस आर को लेकर इस श्रेणी के अकॉर्डिंग जो अनुक्रम बनेगा, जो भी अनुक्रम बनेगा, तो जो अनुक्रम बनेगा संख्यात्मक मान का जो, तो ए एन आर की पावर एन जो अनुक्रम बनेगा, तो जेड की पावर जेड की जगह अगर आर का मान अगर रखें अपन, तो ए एन आर की पावर एन का जो भी अनुक्रम बनेगा वो अनुक्रम भी सर्किल के अंदर कैसा होगा, अभिसारी ही होगा, ठीक है। तो यहां आर जो अपन इसके दोनों के बीच में जो संख्या ली है ये अनुक्रम भी इसके बीच में कैसा होगा, अभिसारी होगा। अब हमको पता है प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम जो होता है वो कैसा होता है, परिबद्ध होता है, और परिबद्धता की अगर पोजीशन देखें तो किसी भी अनुक्रम के लिए उसका परिबद्धता से अगर ले तो उसका मापांक जो होता है वो लेस देन इक्वल किसी धनात्मक संख्या से होता है। तो हम यहां से परिबद्धता से लेते हैं तो हम कह सकते हैं कि कोई धनात्मक संख्या, मैंने उस धनात्मक संख्या का मान माना है क्या, कैपिटल के, कि कोई धनात्मक संख्या के इस प्रकार जरूर विद्यमान होगी कि इस अनुक्रम का जो मापांक है ए एन आर की पावर एन का जो मापांक है वो लेस देन इक्वल किससे रहेगा, के से रहेगा। तो यहां से ए एन का मापांक, मापांक को जब अलग अलग बांटते हैं अपन तो अलग अलग डिवाइड करते हैं इसको, तो ए एन का मापांक जो हो जाएगा वो हो जाएगा के बाई आर की पावर एन के, तो ए एन का जो मापांक है वो लेस देन इक्वल हो जाएगा के बाई आर की पावर एन के, ठीक है। अब अपन अगर आगे चले तो कैलकुलेशन की थोड़ी सी, कैलकुलेशन को थोड़ा इजी बनाने के लिए, क्योंकि अपने को विश्लेषिक फलन निरूपित करना है, प्रूव करना है इसको, तो हम इसकी कैलकुलेशन को थोड़ा इजी करने के लिए काम करते हैं कि जहां जेड मापांक, जेड का जो मापांक है इसको थोड़ी देर के लिए मैं क्या नाम दे देता हूं, पी नाम दे देता हूं, ठीक है। और एक आता है एच का मापांक, अब एच क्या चीज है तो वो आप आगे लेंगे अपन, कि एच का मापांक जहां भी आएगा उसको अपन क्या ले लेंगे, नीटा, कि जेड मापांक इसको थोड़ी देर के लिए मैंने पी मान लिया, एच मापांक उसको थोड़ी देर के लिए मैंने नीटा मान लिया। अब यहां दोनों की पोजिशन के लिए क्या है कि पी इज लेस देन आर, यही लिखा अपन ने, जेड मापांक को अपन ने पी दिया है और पी जेड मापांक इज लेस देन किससे, स्मॉल आर से, जेड मापांक इज लेस देन स्मॉल आर, तो यहाँ पी इज लेस देन क्या आ जाएगा, स्मॉल आर। तथा एच जो है वो इस प्रकार लेनी है अपने को कि अगर जेड मापांक और एच का दोनों का टोटल किया जाए ना, दोनों का योग भी किया है, मतलब एच एक सूक्ष्म परिवर्तन है, मतलब जेड मापांक जस्ट पास वाली संख्या अगर ले अपन, तो z मापांक प्लस h का मापांक जब अगर ऐड करें तो p प्लस नीटा, दोनों का मान लिखा मैंने, दोनों का अगर योग भी करें तो भी किससे कम रहे वो, r से कम रहे, तो h एक सूक्ष्म परिवर्तन लिया है मैंने, ठीक है। तो p प्लस नीटा
इज लेस देन कहां से रहे, स्मॉल आर से रहे। अब एक विशेष मान को अगर लेके चले अपन, एक मान लिख रहे हैं अपन एफ ऑफ जेड प्लस एच माइनस एफ जेड बटा एच माइनस जी जेड से, एक मान है ये अपने को याद रखना है कि एफ ऑफ जेड प्लस एच माइनस एफ जेड अपॉन एच माइनस जी जेड का अगर मैं मान ज्ञात करूं इन श्रेणियों के अकॉर्डिंग, तो मान मोड में है ये, इनका मान अगर लिखे तो मोड समीशन n इक्वल जीरो टू इंफिनिटी एफ ऑफ जेड प्लस एच का मान लिख रहा हूं, तो एफ ऑफ जेड का मान ये दे रखा है मेरे पास में, तो एफ ऑफ जेड प्लस एच क्या बनाएगा, तो जहां जेड दे रखा उसकी जगह जेड प्लस एच हो जाएगा। समीशन n इक्वल जीरो टू इंफिनिटी ए एन जेड प्लस एच की पावर n माइनस एफ ऑफ जेड, तो एफ ऑफ जेड का मान ये हो जाएगा एन जेड की पावर एन एन जेड की पावर एन अपॉन एच माइनस ये जी जेड का मान उठा के रखा है, ये जी जेड का मान एन ए एन की पावर एन ए एन इंटू जेड की पावर एन माइनस वन। अब इन दोनों में समीशन है तो समीशन को मैं एक साथ बाहर ले लेता हूं, समीशन बाहर ले लिया मैंने, साथ साथ ए एन ए एन ए एन तीनों में से ए एन को बाहर निकाल लिया, यहां से बचेगा केवल जेड प्लस एच की पावर एन माइनस यहां से जेड की पावर एन ये बटा एच माइनस एन जेड की पावर एन माइनस वन, तो एन जेड की पावर एन माइनस वन समीशन बाहर चल रहा है। ए एन देखो मापांक है, इक्वल का चिन्ह चल रहा था, अगर मापांक को अलग अलग डिवाइड करते हैं अपन सभी के साथ में अलग अलग ले लें तो ये मापांक लेस देन इक्वल में बदल जाता है, तो मापांक को अपन ने बदल दिया किसमें, लेस देन इक्वल में, ये समीशन ए एन का मापांक आ गया। बाकी आगे वाले पद के पूरे के मापांक अलग कर देते हैं, तो ये मापांक जेड प्लस एच की पावर एन, इसे ए प्लस बी की होल पावर एन बाइनोमियल थ्योरम से अगर अपन विस्तार करें तो क्या आ जाएगा, ए की पावर मतलब जेड की पावर एन प्लस एन इंटू जेड की पावर एन माइनस वन इंटू एच, ऐसे ही आगे वाला पद बनेगा एन इंटू एन माइनस वन बटा टू फैक्टोरियल जेड की पावर एन माइनस टू इंटू एच स्क्वायर डॉट डॉट डॉट। वैसे इसका जो लास्ट पद बनेगा वो आएगा एच की पावर एन, ठीक है, और माइनस उसके आगे आ जाएगा जेड की पावर एन बटा एच, ये माइनस ये चल रहा है एन जेड की पावर एन माइनस वन, इसके बटे में वन ले लेते हैं। ये समीशन ये लेस देन इक्वल चल रहा है, समीशन ए एन का मापांक, इस मापांक को अगर आगे हल करें अपन तो देखो जेड की पावर एन से जेड की पावर एन कैंसिल हो जाएगा, एन जेड की पावर एन माइनस वन इंटू एच आगे वाले पद है, इस एच से डिवाइड कर रहा हूं मैं सभी पदों को, तो इस एच की एक पावर से एक पावर कैंसिल, यहां दो पावर है तो एक पावर इसकी कैंसिल, तो हर पावर में से एक एक कम हो जाएगी एच की, तो ये बचेगा एन जेड की पावर एन माइनस वन, और लास्ट में दे रखा है एन जेड की पावर एन माइनस वन, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा क्या अपने पास में इसमें से, तो मापांक के अंदर बचेगा एन इंटू एन माइनस वन बटा टू फैक्टोरियल, ये जेड की पावर एन माइनस टू, यहाँ एच स्क्वायर था केवल एच बचेगा, डॉट 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 लास्ट वाला जो पद था एच की पावर एन उसमें से एक पावर कम हो जाएगी इसकी वजह से, तो एच की पावर एन माइनस वन का मापांक, ये लेस देन इक्वल समीशन ए एन का मापांक वैसा का वैसा ये चीज है, ये एन इंटू एन माइनस वन अपॉन टू फैक्टोरियल, ये जो जेड दे रखा है, अब इस मापांक को मैं सबके साथ में अलग अलग डिवाइड कर रहा हूं, जितने भी पद अपने पास में है योग में अंतर में जितने भी है, तो देखो जेड है जेड का मापांक की पावर एन माइनस टू, ये h है तो h का मापांक अलग हो जाएगा, ऐसे करते करते प्लस h का मापांक की होल पावर क्या आ जाएगा n माइनस वन हो जाएगा। अब इसके आगे सॉल्व करते हैं अपन, सॉल्व करते हैं इसे आगे अपन कि a अपने पास है लेस देन इक्वल समीशन a n का मापांक n इंटू एन माइनस वन अपॉन टू फैक्टोरियल जेड मापांक की पावर n माइनस टू, h का मापांक डॉट 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 प्लस h के मापांक की पावर n माइनस वन का मापांक, इसे जब सॉल्व करेंगे तो अपनी लेफ्ट हैंड साइड यही चल रही थी f of z plus h minus f of z बटा h minus gz का मापांक is less than equal, ये summation, यहां से an का मापांक, अपन इसने पूरे पद को अपन h के मापांक से मल्टीप्लाई कर देते हैं और h के मापांक से डिवाइड करते हैं, तो h मापांक ये h के मापांक से मल्टीप्लाई किया तो ये h का मापांक 1 पावर में था स्क्वायर हो जाएगा, और ये n पावर n माइनस 1 थी तो h की पावर n हो जाएगी, यहां से लेस देन इक्वल समीशन ए एन का मापांक अपनी जगह एच का मापांक को अपन ने क्या माना था नीटा, तो एच के मापांक की जगह नीटा रखा मैंने, फिर एन इंटू एन माइनस वन अपॉन टू फैक्टोरियल, ये जेड मापांक को अपन ने पी माना था तो पी की पावर एन माइनस टू, ये एच का मापांक नीटा का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, ये एच का मापांक नीटा माना था, नीटा की पावर एन हो जाएगा। अब इसमें क्या किया अपन ने, एक तो पी की पावर एन एड किया, एक पी की पावर एन लेस कर दिया, दूसरा एन पी की पावर एन माइनस वन नीटा और एन पी की पावर एन माइनस वन नीटा एड कर दिया और लेस कर दिया, अपने एक बार जोड़ा इन दो पदों को और दो पदों को बैठाया। अब यहां से लेकर यहां तक का जो पद है
ये एक द्विपद प्रमेय के अकॉर्डिंग एक विस्तार रूप है, जब ये कंबाइन होगा तो ये बना देगा p प्लस नीटा की पावर n, यहां से लेकर यहां तक का पद। अब दो पद बचे हैं तो माइनस p की पावर n माइनस n p की पावर n माइनस 1 नीटा, ठीक है। अब इन पदों में से ये an का मापांक, an का मापांक अपन ने शुरू में अभिसारिता में लिखा था, अभिसारिता में कि an का मापांक इज लेस देन इक्वल k अपॉन r की पावर n, तो यहां से k अपॉन r की पावर n ये नीटा अपनी जगह है, p प्लस नीटा की पावर n माइनस p की पावर n माइनस n p की पावर n माइनस 1 नीटा। समीशन जो अपने पास समीशन के लिए नहीं है उनको तो बाहर निकाल लेते हैं, देखो k / नीटा अपने को समीशन से बाहर आ जाएगा क्योंकि जो समीशन में लिमिट है वो n की है, यहां समीशन इनके साथ में लिया तो समीशन p / p प्लस नीटा की पावर n या r की पावर n r अपन अपॉन में ले लेते हैं तो p प्लस नीटा / r की होल पावर n ये अलग हो जाएगा, इसको इसके साथ में लाए तो समीशन p / r की होल पावर n अलग हो जाएगा, माइनस ये n है p की पावर n माइनस 1 है तो p की पावर n माइनस 1 को p की पावर n अपॉन p लिख सकते हैं अपन, तो नीटा / p जो है उसको तो ले लेता हूं बाहर, समीशन में आ जाएगा एक तो n p की पावर n और r की पावर n बटे में तो n p / r की पावर n ये अपने पास आ जाएगा। इसे ऐसा लिखा एक या समीकरण एक नाम दे दे अपन, जो लेफ्ट हैंड साइड है वो यही चल रही है अपनी। अब इन तीनों में ये तीन श्रेणियां को यह तीन श्रेणियां ये एक दो और तीन, इन तीनों को अलग अलग हल करते हैं। सबसे पहले लिया मैंने समीशन n इक्वल 0 टू इंफिनिटी लिमिट के साथ में ले रहा हूं p प्लस नीटा / r की होल पावर n, इसे अगर लिखे तो n का मान 0 से स्टार्ट करें तो 1 हो जाएगा पूरा पद, फिर 1 पावर 2 पावर 3 पावर, तो देखा जाए तो ये अनंत गुणोत्तर श्रेणी है और अनंत गुणोत्तर श्रेणी का योगफल होता है a / 1 - r, a प्रथम पद है r उसका सार्वानुपात है तो a / 1 - r इसके सार्वानुपात का मान यही रहेगा तो a a का मान 1 / 1 - r तो यहां से इसका मान आ जाएगा r r माइनस p माइनस नीटा, ठीक है। ऐसे दूसरा पद लिया अपन ने ये समीशन n इक्वल 0 टू इंफिनिटी p / r की होल पावर n, तो यहां से भी अगर 0 1 2 3 रखे अपन तो ये भी गुणोत्तर श्रेणी बनती है, इसका भी योग वही हो जाएगा 1 / 1 - r के फॉर्म में तो 1 / p - r 1 / 1 - p 1 - p / r तो ये r / r - p। अब तीसरी जो श्रेणी इसका योग थोड़ा अलग तरीके से करना पड़ेगा क्योंकि n गुणा में आ रहा है, तो यहां n का मान जब अपन रखते जाएंगे 0 1 2 3 तो मैंने इसके योग को थोड़ी देर के लिए s नाम दिया, s बराबर पहला 0 लिखा तो पूरा पद ही 0 हो गया, 1 रखेंगे तो p / r, 2 रखेंगे तो 2 p / r का होल स्क्वायर, 3 रखेंगे तो 3 p / r का होल क्यूब डॉट डॉट डॉट। अगर पूरे इक्वेशन को s वाली को अपन p / r से गुणा कर दें तो p / r / s हो जाएगा, बराबर देखो ये p / r से गुणा करूंगा तो p / r का होल स्क्वायर हो जाएगा, मैंने इसको जस्ट इसके जस्ट स्क्वायर वाले फॉर्म के नीचे आगे लिखा है, इसकी जगह खाली छोड़ दी, p / r का होल स्क्वायर प्लस यहां से p / r से गुणा किया तो p / r का होल क्यूब लेकिन 2 के साथ में होगा डॉट डॉट डॉट, इसी जैसे समीकरण 2 नाम दे दिया और इसको समीकरण 3, जैसे ही समीकरण 2 में से समीकरण 3 को लेस करेंगे तो s - ps / r को 1 - p / r इसमें से s कॉमन आ जाएगा, बराबर p / r में सिंगल घात का कोई पद घटने लायक है नहीं तो इसलिए p / r ये 2 * p / r का होल स्क्वायर ये p / r का होल स्क्वायर है तो इसमें से एक कम हो जाएगा तो p / r का होल स्क्वायर प्लस ये 3 * p / r का होल क्यूब ये 2 * p / r का होल क्यूब है एक कम हो जाएगा तो p / r का होल क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब इसे अपन आगे सॉल्व करें तो आगे सॉल्व करेंगे तो इसे अपन आगे सॉल्व करेंगे तो देखो यहां से एलसीएम लिया तो r - p / r / s इक्वल ये फिर एक गुणोत्तर श्रेणी हो गई जिसका योगफल वही a / 1 - r तो p / r a का मान होगा 1 - p / r इक्वल ये एलसीएम लेके हल करेंगे तो अपने पास मान आएगा p / r - p, ठीक है। यहां से s का मान अगर निकाले तो इसको जब पक्षांतरण करें अपन तो s बराबर आ जाएगा अपने पास p r / r - p का होल स्क्वायर, ठीक है, ये s का मान आया। अब तीनों मान अपने पास तीनों श्रेणियों के मान आ गए 1 2 और 3, अब इन तीनों मानों को उठा के जो ऐसे समीकरण एक लिखा था अपन ने उसमें जब रखेंगे तो मापांक f ऑफ z + h - f ऑफ z / h - g z ये लेफ्ट हैंड साइड चल रही थी अपनी लेस देन इक्वल k / नीटा, यहां से मान जो बनेगा ये पहली श्रेणी का मान है r / r - p - नीटा, ठीक है, ये - r / r - p ये दूसरी श्रेणी का मान है और माइनस ये तीसरी श्रेणी का जो मान बना है t r /
यहां से अपने पास जो तीसरी श्रेणी का मान बनेगा नीटा बाई पी पहले से चल रहा था, पी से पी कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा नीटा आर अपॉन आर माइनस पी का होल स्क्वायर। जब एलसीएम लेंगे इसका पूरे का तो लेस देन इक्वल एलसीएम लेके जब पूरा हल करेंगे इसको तो अपने पास लास्ट मान बनेगा के आर नीटा अपॉन आर माइनस पी माइनस नीटा इंटू आर माइनस पी का होल स्क्वायर। एलसीएम लेके हल करना इसको, ये लास्ट मान ये बचेगा अपने पास। अब बात कर रहा हूं अगर एक पोजिशन लेके नीटा डेंस टू अगर जीरो, नीटा डेंस टू जीरो होने का मतलब एच डेंस टू जीरो, एच बहुत नगण्य राशि है तो एच डेंस टू जीरो हो या नीटा डेंस टू जीरो हो, तो ऐसी पोजीशन में लेफ्ट हैंड साइड वाले अगर लिमिट एच डेंस टू जीरो, मतलब मैं कह रहा हूं कि नीटा डेंस टू जीरो हो या एच डेंस टू जीरो दोनों एक ही बात है कि लिमिट एच डेंस टू अगर जीरो करें तो एफ जेड प्लस एच माइनस एफ जेड अपॉन एच माइनस जी जेड का मापांक जो हो जाएगा वो नीटा का मान अगर जीरो रखूं मैं यहाँ पे तो ये पूरा मान जीरो इक्वल जीरो। और हमें पता है किसी भी संख्या का मापांक जीरो तभी हो सकता है वो जब खुद जीरो हो, तो यहां से लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ जेड प्लस एच माइनस एफ ऑफ जेड बटा एच माइनस जी जेड बराबर जीरो, यहां से जी जेड माइनस में इधर आके प्लस का हो जाएगा तो लिमिट एस डेंस टू जीरो एफ ओ जेड प्लस एच माइनस एफ जेड बटा एच बराबर क्या आ जाएगा जी जेड। और अवकलनीयता से पता है अपने को कि ये जो अवकलन की परिभाषा है तो यहां से एफ डेंस जेड बराबर क्या आ जाएगा जी जेड। तो यहां हम कह सकते हैं कि जी जेड जो है जो उसी अभिसरण वृत्त के अंदर स्थित था इसकी भी अभिसरण त्रिज्या वही थी, तो प्रत्येक बिंदु के ऊपर एफ डेंस जेड एफ जेड का अवकलन है तो प्रत्येक बिंदु पर उसका अवकलन कौन है जी जेड जो उसी अभिसरण वृत्त के अंदर स्थित है। तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक घात श्रेणी का जो अभिसरण अपने अभिसरण वृत्त के अंदर है वो प्रत्येक बिंदु पर एक विश्लेषिक फलन को निरूपित करती है। ठीक है, तो ये कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे। थैंक यू।